जैसा कि आप देख रहे हो कि 10-22 प्रिंटर है और इसमें एक इशू आएगा। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ लाइव, तो मैं यहाँ से प्रिंट कमांड देता हूँ, ऑन करता हूँ। पहले सबसे पहले ये ऑन हो गया, मूवमेंट कर रहा है, और यहाँ पे पेपर भी एक जाम हो जाएगा, एक फॉल्ट ये आएगा, तो भी इस किस चीज़ का फॉल्ट होता है। तो अभी हम एक और कमांड इसमें पुट करते हैं और प्रिंटर हमारा रेडी है। अब कमांड दिया, पेपर पिक किया, देखिए, और पेपर यहाँ जाम हो जाएगा। ये आते यहाँ पे देखिए, ये देखिए, और यहाँ पे एक ब्लैक ब्लैक सा ये पूरा आ जा रहा है। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें कार्ट्रिज भी बदल के दिखा देते हैं आपको। तो भाई दूसरा कार्ट्रिज लाओ आप, तब तक इस पेपर को निकाल लेते हैं। और ये देखिए, हमारा टेफ्लॉन प्रेशर रोलर भी, हमने इसको सर्विस करा था, ठीक है, तो उसका फॉल्ट नहीं है। आप समझ रहे हो, टेफ्लॉन प्रेशर रोलर का हो तो इस चीज़ का नहीं है। तो हम एक बार निकालते हैं इस पेज को, फिर कंटिन्यू करते हैं। एक बार ऐसे पर ना, तो हमने इसको निकाल लिया, और जो पेपर जाम है उसको भी हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ निकाल लिया, ठीक है। डस्ट है नीचे जो गिरा हुआ है इसका, वो भी निकाल लेंगे। और दिखाते हैं इसमें क्या आपको इश्यू मिल सकता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए कि नोटिफिकेशन आपको मिले न्यू वीडियो आते ही, और इसको आपको न्यू फॉल्ट भी देखने को मिले। तो ऐसा मैं वीडियो एडिट नहीं करता हूँ, प्योर वीडियो लंबा बनेगा लेकिन आपको सोल्यूशन प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। तो आप एडिटिंग वीडियो देखोगे तो आप प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसलिए वीडियो को एडिट नहीं कर रहा हूँ, कहीं पॉज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम कार्टेज बदल के देखेंगे। तो कार्टेज अभी मैंने लगाया एचपी की ब्रांडेड कार्टेज, और ये हमारे थी लैब केयर की। देखिए दोनों कार्टेज में अंतर है, तो दोनों कार्टेज इंक फुल है। अब हम आपको लाइव दिखाते हैं कि किस चीज़ का इशू होता है। प्रिंटर को दोबारा ऑन किया, इनिशियलाइज हुआ, और दोबारा कमांड देंगे इसमें, ठीक है। और देखिए यहाँ से थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, ये आपको लगे कि लाइट की इशू ना हो। देखिए चेंज करते ही आपको इफेक्ट देखने को मिल गया, मिल गया ना। तो इस उसका मतलब आपका जो कार्ट्रिज की समस्या थी इसमें, ठीक है। दोबारा प्रिंट इसी को लगा के देते हैं, और वो जो कार्ट्रिज पेपर जाम हो रहा है उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है, आपको बहुत सारे लोगों को लगता है हमारा कार्ट्रिज एकदम गुड दिखता है, लेकिन ये है इसी की प्रॉब्लम, ठीक है। तो दोबारा इनिशियलाइज हो रहा प्रिंटर, और दोबारा कमांड देते हैं वो पेज को पलट के, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखिए अभी कुछ, अब कुछ फैल के आ रहा है ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर का सील्ड कवर लगाएंगे, जो इसका होता है तब पता चलेगा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। और कई बार इस केबल के वजह से भी आता है ऐसा प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक मिनट पॉज करते हैं तब तक, तो इसको हम लगा के एक बार देख लेते हैं जो स्कैनर का। ये देखिए लगा लिया। अब देखते हैं न्यू पेज लगा के कि प्रॉपर आता है या नहीं आता है प्रिंट, तो क्या प्रॉब्लम है और इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्कैनर का हो तो स्कैनर की, अब सप्लाई होगा तो सप्लाई का सॉल्व करेंगे। दोबारा कमांड देते हैं, प्रिंटर रेडी है। प्रिंटर यहाँ पे पेपर पिक कर लिया, वहाँ पेपर जाम हो रहा था, तो इसमें देखते हैं जाम हो रहा है नहीं, इसमें भी जाम हो गया, ठीक है। तो जाम कहाँ पे हो रहा है अब देखिए, यहाँ पे दिखाइए, जाम हो रहा है फ्यूजर यूनिट के अंदर ही, ठीक है, ये देखिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका फ्यूजर यूनिट क्या करेंगे, सर्विस करेंगे, ठीक है। तो अब खोलते हैं फ्यूजर, सर्विस करते हैं 10-22 की, और इसमें भी आपको प्रॉब्लम भी दिख गया। तो पेपर को निकालते हैं, ऑलमोस्ट प्रिंटिंग तो आई थी लेकिन ये मिट गया, ठीक है। तो हमारा टेफ्लॉन बदलते हैं इसमें, सबसे पहले सर्विस तो करा हुआ था लेकिन इसमें और भी क्या समस्या किस किस वजह से आता था। फ्यूजर स्टेप बाय स्टेप सर्विस करने के लिए आप हमारे पूरा वीडियो देखिए, और इससे आपको भी, जो आप नए हैं तो आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा, और कोई भी इस वीडियो में आपको एडिटिंग नहीं मिलेगा, जो प्योर वीडियो बनने वाला है। तो उसमें आपको
हमारे वीडियो को देखना चाहिए सीखने के लिए। तो अभी जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक लॉक होता है, तो अब यहाँ पे एक पेच लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको निकाल लेंगे। और पीछे से ये जो सीरियल नंबर का कवर है, या तो हम इसको ऐसे करेंगे फ्लैट ड्राइवर से माइनस से हम क्या करेंगे इसको ऐसे प्रेस करेंगे, ये निकल जाएगा सीरियल नंबर। तो वैसे ये निकल गया क्योंकि इस पर R&D ऑलरेडी हो चुका है। तो अब हम दिखाते हैं आपको, इधर से आप देखोगे तो ये लीवर वाला है, तो ये लीवर अगर ऊपर रहेगा तभी कार्टेज आपका निकलेगा। अगर ये इससे आप लॉक नहीं लगाओगे तो इससे एक समस्या आएगा कि आपका कार्टेज जो है वो निकलेगा नहीं, अगर निकल गया तो लगेगा। तो अभी देखो हम प्रिंटर को क्या करते हैं, यहाँ पे रूट केबल है इस साइड से आप देखोगे, तो हम केबल को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके निकाल लेंगे, फिर अगेन हम रूट करके ऐसे ही लगाएंगे। तो फिलहाल अभी हम इसको निकाल लें, देखिए ऐसे रूट है तो ऐसे निकाल लेंगे केबल को। और यहाँ पे फ्यूजर है, तो फ्यूजर का भी इम्पीडेंस दिखा देता हूँ आपको कितनी होना चाहिए वो गुड कंडीशन में, ठीक है। फ्यूजर हमारा जब तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो 50-90 के बीच में जो भी वैल्यू इम्पीडेंस दिखाए बजर पे वो भी आपको पावर निकाल के ही चेक करना है, ठीक है। तो अभी देखिए 89 आ रहा है, तो अभी हमारा ठीक है, ठीक है। तो और हम किसको प्रेस करेंगे, ये निकल गया, आप थोड़ा सा केबल को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, ये निकल गया। और पीछे आप देखो ये कनेक्शन है ग्राउंडिंग का, ये भी निकालेंगे ऐसे, ठीक है। और ये वाली केबल बस निकाल लेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे एक पेच लगा है, तो आप इधर पेच खोल लीजिए, यहाँ पे एक पेच है। सेंसर ध्यान से कि आप फ्लैट ड्राइवर यूज करो कि टूटे ना, ठीक है, मैग्नेटिक होना चाहिए जिससे कि आप आसानी से इस पेच को लगा सको निकाल सको, नहीं तो ये आपको दिक्कत आएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे पेच स्क्रू है, यहाँ पे गियर के साइड में जो फ्यूजर ड्राइव गियर होती हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे होते हैं। तो ये दो पेच खोलते हैं फ्यूजर आसानी से निकल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है और ऐसे फ्यूजर बाहर आ जाएगा ऐसे ही सीधा ऐसे ही। तो देखिए यहाँ पे पेपर जाम है, तो निकाल लेंगे। तो देखिए इस टेफ्लॉन में कोई भी इश्यूज नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब खोल के हम देखेंगे मे बी क्या हो सकता है टेफ्लॉन में, कौन सा ग्रीस लगता है ये भी आपको हम बताएंगे, और कौन सा हम ग्रीस यूज करते हैं ये भी दिखाने वाला हूँ। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पे टेफ्लॉन सॉरी फ्यूजर रख लिया, तो यहाँ दो पेज होते हैं, एक इधर लेफ्ट एक राइट, ठीक है, दोनों साइड में। तो आपको ये खोलने होंगे फ्यूजर सर्विस करने के लिए। ये देखिए असेंबलिंग डीअसेंबलिंग आपको इसी में फ्यूजर सर्विस कवर हो जाएगा आसानी से, अब वो करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये फ्यूजर ज़्यादातर से फ्यूजर हमारा क्या हो रहा है जैम चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको देखिए, दो यहाँ पे स्प्रिंग लगे हुए हैं, दो एक देखिए इस साइड में स्प्रिंग है और एक इस साइड में। तो हम क्या करेंगे नोज प्लास की सहायता से या ट्यूजर की सहायता से हम क्या करेंगे इसे बाहर निकालेंगे। जैसे कि हम यहाँ से एक बार हम इस लॉक को प्रेस करके ऐसे निकालते हैं, ये निकल जाएगा यहाँ से। तो दो आर्म भी लगे होते हैं इसमें, तो दो आर्म नहीं है, आर्म मिसिंग है इसमें। हम इस केस में क्या करेंगे कि आर्म जब रहेगा तो आर्म लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। या तो हम नहीं भी लगा सकते, नहीं भी लगाएंगे तो कोई उसकी खास समस्या आने वाला नहीं है। देखिए ये दोनों निकाल के दोनों साइड में रख लिया, और ये हम क्या करेंगे यहाँ से केबल को ऐसे रूट से निकाल लेंगे, और ये फ्यूजर एसएम यूनिट बाहर आ गया एलिमेंट ये पूरा। तो इसका 89 ओम होता है, 50 से 90 के बीच में वैल्यू, तो ये ओके है। और ये हमारा थर्मिस्टर है 300 से 400 के बीच में ओम 2 एम पे रख के आपको वैल्यू दिखाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस एलिमेंट को इसको टेफ्लॉन बदलने के लिए लगाने के लिए हम इस लॉक को ऐसे प्रेस करेंगे पीछे की तरफ, तो ये निकल जाएगा थोड़ा सा नीचे प्रेस करके। और ये हमारा ये है फ्यूजर की एलिमेंट, ठीक है, हीटर एलिमेंट जिसे बोलते हैं। हमारा टेफ्लॉन क्या होगा सूख चुका है, तो हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा कॉटन लेके या डस्टर लेके
हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे इसको। क्लीन करने के बाद क्या करना है आपको, इसकी गंदगी को देखिए, जैसे यहाँ पे गंदगी सूख गया है। ग्रीस, ग्रीस कौन सा लगता है इस पर, सिलिकॉन ग्रीस लगता है, जिससे जल्दी हीट होने के बाद वो ड्राई नहीं होता। तो देखिए, तो इस साइड में भी है, हम क्या करेंगे एक बार इसको भी देखेंगे। तो हमारा जो है ये प्रेशर रोलर भी खराब हो चुका है, देखिए ध्यान से, और इधर भी सिकुड़ चुका है, तो खराब है। तो हम करेंगे इसको रिप्लेस, या तो हम चाहें तो इसको भी लगा सकते हैं, इसके वजह से भी ये दिक्कत आ जाता है। तो हम इसको बदलते हैं, दूसरा ले आते हैं। तो ये देखिए, ये हमने एक नया प्रेशर रोलर ले लिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हल्का सा बुश पे, दोनों साइड पे, यहाँ बुश है, इधर इधर, तो हम ग्रीस लगाएंगे। ग्रीस कौन सा यूज़ करना है आपको, देखिए, तो ग्रीस इस टाइप से सिलिकॉन, हाईटेक की सिलिकॉन ग्रीस मिलता है, आप इस तरह से होता है, तो आप इसे यूज़ करें। सिलिकॉन ऑयल जैसे कि आप यूज़ करोगे तो क्या होगा कि कुछ दिनों में ही एक दो चार पेज, 10 पेज 20 पेज निकालेगा, ड्राई हो जाएगा। जैसे ये ऑयल नहीं लगाना आपको, ग्रीस लगाना है, क्योंकि ऑयल आपको सिर्फ उस पर डलती है DMP प्रिंटर पर, ठीक है। तो ये ग्रीस ऐसे अप्लाई करेंगे, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा लगा लेंगे, और इस साइड पे भी लगा लेंगे जहाँ पे टेफ्लॉन जहाँ से गुजरता है, ठीक है, ऐसे, इससे स्लिप होके। तो हम इसको अच्छे से लगा लेंगे, लगाने के बाद उसके बाद से टेफ्लॉन को हम क्या करेंगे, इससे इंसर्ट कर देंगे इस केबल्स के थ्रू, ये देखिए, इसमें लगाएंगे और वापस से इस टेफ्लॉन को इसमें इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। जो ग्रीस इकट्ठा होगा उसे हम निकाल लेंगे, फिर दूसरे साइड में लगा देंगे, ओके। और ये जो हमारी है इस पर भी हम थोड़ा सा ग्रीस लगा लेंगे, जहाँ से टेफ्लॉन रोटेट करता है। और इसको लगाने के लिए आपको सिंपल ये लॉक देखना है, दोनों साइड का, इस साइड का और इस साइड का, तो ऐसे लगा देना है। तो हमारा ये हो चुका है आसानी से, देखिए। और हम यहाँ पे बुश पे, दो बुश हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, बुश पे क्या करेंगे, ग्रीस लगा लेंगे ऐसे ही, ठीक है। और ये हम लगा लेंगे अपना ये रोलर, देखिए आपको इधर ये वाला हिस्सा जो होगा इधर होगा, ठीक है। तो हम करेंगे इधर ऐसे करके लगा देंगे, ये पैक हो चुका। और बुश को ध्यान रहे, निकल जाएगा तो कोई बात नहीं, ऊपर लग जाएगा। एक बुश को दूसरे बुश को आप देख के फॉलो करके लगा सकते हैं। हम गियर को लगा लेंगे ऐसे, गियर हमारा लग चुका, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब हीटर को ऐसे प्लेस करेंगे, इसी साइड से प्लेस कर देंगे हीटर को ऊपर की तरफ से, देखिए हमने ऐसे प्लेस कर दिया इसको। और ये दो लॉक हैं बीच में, हम इसी के थ्रू ये क्या करेंगे, इसको लगाएंगे, इसे आसानी से बिल्कुल ये लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई आपको एजिटेशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कि सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये लग पाएगा नहीं। फिर हमको इसको साफ़ कर लेंगे हल्का सा। हम क्या करेंगे इस चीज़ को, फिर दोनों आर्म को लगा लेंगे, लेफ्ट एंड राइट। तो अभी फिलहाल ये स्प्रिंग को लगाएंगे, स्प्रिंग देखिए ऐसे होता है, और इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस करेंगे, क्योंकि आर्म है नहीं, तो ट्यूजर या किसी चीज़ से हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच के इस लॉक में, देखिए ऐसे इस लॉक में क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉप कर छोड़ देंगे, तो क्या करेगा, स्लिप होके वहाँ चला जाएगा लॉक पे। तो और इस साइड का हम लगाते हैं, देखिए, तो इसको हम प्रेस करेंगे, और ये जो लॉक है इस, अगेन हम स्प्रिंग को क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, आसानी से लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फ्यूजर हमारा सर्विस हो चुका है, अब पैक करने की बारी। तो ये देखिए दो साइड में लॉक होता है, तो एक यहाँ लॉक है, ध्यान से देखिए, एक यहाँ और एक यहाँ, और यहाँ पे कट है, और एक यहाँ के लॉक का। हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे लॉक को, और आगे प्लेस कर देंगे ऐसे। ये क्या होगा, फ्यूजर हमारा ऑलमोस्ट पैक हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका दो पेच लगा लेंगे इसके, ये जैसे काले काले पेच होते हैं, तो ये देखिए हमने इसको लगा लिया, ठीक है, आसानी से आपको लगाना है।
और ये आसानी से फ्यूज़र सर्विस भी हो जाते हैं, किसी मॉडल के फ्यूज़र आपको आसानी से सर्विस कर सकते हो। ये 10-20, एक 10-22, 1005, 1007-08, ये सारे फ्यूज़र एक ही तरीके से सर्विस होते हैं और यही ग्रीस यूज होता है। नहीं तो आप ये टैपलॉन डबलिंग प्रिंटिंग करता है तो आप उस टैपलॉन को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, क्योंकि नया टैपलॉन भी लगाओगे तो डबलिंग मारेगा, डुप्लीकेट टैपलॉन रहेगा तो वो इमेज को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उस केस में आपको करना होगा टैपलॉन चेंज, क्योंकि पिछला वाला टैपलॉन तो आपका फट चुका होगा या कट चुका होगा, जो भी, या डैमेज हो चुका होगा, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो या ठीक है तो पिछला वाला भी आप लगा के अपना काम चला सकते हैं, नहीं तो टैपलॉन आप ओरिजिनल ही लें। ठीक है, और तो ये आप देखिए हमारा हो चुका। अब हम फिर प्रिंटर में अपना, ये हमारा प्रिंटर है और हम इसमें ऐसे फ्यूजर प्लेस करेंगे। देखिए गियर गियर इधर है तो गियर असेंबली भी इधर ही रहेगा, तो हम क्या करेंगे सीधा अपना जो फ्यूजर है ऐसे ही प्लेस कर देंगे आसानी से। ये लॉक यहाँ पे मैच करेंगे, यहाँ जहाँ जहाँ पेच लगता है यहाँ दो डॉट दिए होंगे तो वहाँ मैच करके हम अपना पेच क्या करेंगे इसमें लगा लेंगे। तीन पेच लगता है तो तीन पेच को हमें लगाना होगा। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, पेच लगाते हैं और प्रिंटर को पैक करके फिर देखते हैं क्या इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है, समस्या का समाधान हुआ या हो जाएगा 100%, क्योंकि यही होता है। फ्यूजर जाम था, हीट हो गए, वो क्या होगा जाम हो जा रहा था पेपर अंदर ही। ठीक है, तो अभी पेच लग चुका है, 3-2 मिनट और लगेंगे, आपको टेस्ट पेज भी दिखा दूंगा। और फिर ब्लैक की समस्या है तो वो तो हम सॉल्व कर लेंगे, दो चीज़ों से आता है, एक कार्ट्रिज से, तीन चीज़ों से, एक सप्लाई से और एक स्कैनर से। स्कैनर से रेयर आता है लेकिन सप्लाईज और कार्ट्रिज से ज़्यादा आता है ब्लैक जो आपको दिखाया था। तो ये हमने लगा लिया यहाँ पे और ये अब हम केबल रूट करते हैं। यहाँ पे देखिए केबल रूट के लिए आपको सिंपल क्या करना है, नहीं भी रूट करते हैं आप नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, अब इस वैसे ही जैसे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, इससे कोई समस्या आने वाला नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि हमने ऐसे भी टेम्परेरी कर लिया है। ठीक है, फॉर टेस्टिंग। अब हम क्या करेंगे, फ्यूजर एलिमेंट की जो ये है कनेक्टर, हम क्या करेंगे ये लगा लेंगे, ये फ्यूजर एलिमेंट की कनेक्टर है और इसकी हॉट टेस्टिंग भी कर लेंगे, सप्लाई हमारा प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा वो भी हम देखेंगे, इसमें वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और पूरा वीडियो देखिए अंत तक। तो कनेक्टर वापस लगा लेते हैं फटाफट। देखिए लग चुका कनेक्टर हमारा और एक हम अर्थिंग लगा लेते हैं और। ठीक है, तो अर्थिंग लगा लिए हमने और टेस्टिंग के लिए, तो ऐसे बाहर से लगा लेंगे, इससे कोई समस्या आने वाला नहीं है। ठीक है, और नहीं भी लगाएंगे, पैक भी करना है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्रिंटर की क्वांटिटी हमारे पास इस टाइम हाई वॉल्यूम कॉल है, एक्सप्लोशन है, तो हम इससे काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एडजस्टिव क्लोज कर देंगे, टोनर लगाएंगे इसमें कार्ट्रिज। तो देखिए एक समस्या है, जैसे मैंने आप लीवर के बारे में बताया था, टोनर नहीं लगाया ऐसे अटक गया, तो ये लीवर देखिए नीचे गिरा हुआ है, जब तक ये लीवर ऊपर नहीं आएगा टोनर लगेगा नहीं, लग गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लीवर ऐसे क्लोज कर देंगे, नहीं भी क्लिक करेंगे तो प्रिंट करेगा लेकिन लगेगा नहीं, निकलेगा नहीं जब तक ये ऊपर नहीं आएगा, नहीं। ठीक है, देखिए निकल जाएगा कई बार लेकिन कई बार निकलता भी नहीं, तो इसको लीवर को ऊपर नीचे आपको करना होगा। अब क्या करते हैं, प्रिंटर में पावर देते हैं और प्रिंटिंग लेते हैं, देखते हैं समस्या का समाधान हुआ या नहीं। पेपर जाम तो मेन इसमें था और ब्लैक तो था ही प्रिंटिंग, तो हम क्या करेंगे इसमें पावर लगाते हैं और यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं हाथ से लीवर को। देखिए फ्यूजर मूवमेंट कर रहा है प्रॉपर और सर्विस होने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे कमांड देते हैं, तो इस
इसमें क्या होगा, देखिए हमने कमांड दिया, इसने पेपर पिक किया और पेपर जाम हुआ नहीं, बाहर आ गया सक्सेसफुली और प्रिंटिंग भी ठीक ठाक ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका एक बार और लेजर स्कैनिंग भी चेंज करके देखेंगे कि वो प्रिंटिंग साफ सुथरा क्यों नहीं, अभी ब्लैक तो आ नहीं रहा। ठीक है, तो अभी हमारा पेपर जाम नहीं हुआ, पेपर जाम इशू सॉल्व हो गया, फ्यूजर से ही था। फ्यूजर सर्विस के लिए आप देख सकते हैं, हमारे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा है लेकिन इसमें सोल्यूशन भी प्रॉपर आपको मिलेगा। और ऐसे ही हमारे वीडियो होते हैं और ऐसे ही आने वाले हैं वीडियो, क्योंकि ये बिगिनर के लिए यूजफुल वीडियो रहेगा, जिनको प्रिंटर आप देखिए वन टाइम में पिक कर रहा है और वन टाइम में ही प्रिंटिंग आ जा रहा है। ठीक है, तो अभी ऐसा आ रहा है, हम क्या करेंगे एक बार इसको डोर को यहाँ से प्रॉपर क्लोज करके फिर देखेंगे कैसा आ रहा है प्रिंटिंग। तो आपको डोर लगाने के लिए क्या करना है फिलहाल के लिए, तो आपको ऐसे रख देना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक होल है, उस साइड में एक लॉक है, ऐसे ये हो जाएगा पैक, क्योंकि इसमें आर्म तो है नहीं, हमको क्या करना है ऐसे रख देना, फिर प्रिंटर इनिशियलाइज होने लगेगा। अब देखिए एक बार क्या होगा, प्रिंटर इनिशियलाइज करने लगेगा। देखिए इसको ये भी प्रेस होगा लीवर, तो अभी प्रेस नहीं हो पा रहा क्योंकि ये बैठा नहीं है। हाँ अब होगा, देखिए इनिशियलाइज अब होने लगा। अब हम क्या करेंगे, न्यू पेज लगाएंगे और एक बार और देखेंगे कार्टेज स्कैनर बदलेंगे, वो भी समस्या देखेंगे। वन टाइम में पेपर पिक किया और एग्जिट भी प्रॉपर हो गया हमारा। ठीक है, अभी कुछ साफ आ रहा है इसमें, लेकिन थोड़ा सा ब्लैक शेड आ रहा, तो दोबारा करेंगे इसमें एक बार और। जो हमारी समस्या प्रॉब्लम है वो है हमारा इस लेजर स्कैनिंग यूनिट का। ठीक है, ये देखिए पेपर जाम नहीं होगा, ये लेज़र स्कैनिंग यूनिट बदल के देख लेते हैं, लग गया तो आप एक मिनट कंटिन्यू करिए। देखिए लेज़र भी बदल गए, प्रिंटर को ऑफ कर देंगे ऐसे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो लॉक होता है इस फ्लैप को निकालने के लिए, तो यहाँ से माइनस से हम क्या करेंगे थोड़ा सा पीछे प्रेस करेंगे और थोड़ा सा हम इस लॉक को करेंगे, यहाँ पे एक लॉक होता है लॉक खोलने के लिए लेजर बीम की इस कवर को, तो ये बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिकली वैसे। ठीक है, और ये हमारा इश्यू है इंजन कंट्रोलर यूनिट, तो इसके वजह से भी ये ब्लैक का इश्यू आ सकता है। तो पहले हम देखेंगे इसका केबल की कंडीशन देखेंगे, केबल की कंडीशन ठीक ही है, लेकिन एक बार हम केबल बदल के स्कैनर बदल के देख लेंगे। स्कैनर बदलते हैं, तो हमारी कोई ये बड़ी बात नहीं है, हमारे जो कार्ट्रेज का भी समस्या हो सकता है इसमें प्रॉब्लम, क्योंकि 12 एक कार्ट्रेज है, तो उसके वजह से भी ये ब्लैक आ सकता है। अब देखो, तो हम इसको एक बार और कार्ट्रेज बदल के देखेंगे, लेकिन पहले स्कैनर बदल के देख लेते हैं, क्योंकि कार्ट्रेज तो ठीक ही लग रहा है। एक बार पॉज कर दो, तो ये हमारा LSU लेजर स्कैनिंग यूनिट हम रिप्लेस करते हैं, देन उसके बाद से हम कंटिन्यू प्रिंट करके देखेंगे। तो ये हमारा पेज है, चार पेज लगे होते लेकिन हम क्रॉस में इसमें दो पेज ही लगा हुआ था, कुछ होता नहीं है इस प्रिंटर में, बस समझने की बात, समझ जाओगे तो रिपेयरिंग आपके लिए आसानी हो जाएगा, या किसी चीज की। तो देखिए यहाँ पे केबल भी एक बैंड था, इसके वजह से भी इशू हो सकता है, लेकिन कोई नहीं, हमने बदल लिया। ये
केबल ऐसे लगा लें, वो दूसरे स्कैनर में केबल नहीं था, विद केबल ही आप बदलें तो प्रॉपर रिजल्ट आया। इसको हमने किया पैक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए। एक मिनट आ लिया, अभी कोई पेच वेच नहीं लगा है इसमें, तो टेस्टिंग के लिए ऑन करते हैं प्रिंटर। प्रिंटर हमारा ऑन हो गया, फिर फ्रेश पेपर लगाएंगे इसमें और प्रिंट लेके देखेंगे। ठीक है, अभी हमारा जो अभी एरर आ रहा है इसमें LSU का एरर आ गया, लेजर स्कैनिंग सॉरी यूनिट का, क्योंकि ये केबल हमने नहीं लगाया था जल्दी जल्दी में, तो एक मिसिंग यहाँ पे हो गया। तो जल्दी करने से क्या होगा कि थोड़ा सा समस्या क्रिएट हो सकता है, तो आपको ध्यान से देख लें केबल फिजिकली कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे लग गया, अब एरर नहीं आएगा 100%। ऑन करते हैं, क्योंकि आवाज़ कर रहा है लेजर, ऐसा आवाज़ करे तो भी लेजर स्कैनिंग यूनिट खराब है। प्रिंटर रेडी नहीं हुआ अभी तक, घूम रहा है कंटिन्यू, तो इस केस में हमारा लेजर स्कैनिंग यूनिट का 100% प्रॉब्लम है। चेंज करिए, सॉल्व हो जाएगा। देखिए कंटिन्यू मूवमेंट कर ही जा रहा, तो ये प्रॉब्लम इसका है। तो हम क्या करते हैं, एक बार लेजर ले आते हैं, बराबर पॉज करिए तब तक फिर, क्योंकि ओके बहुत मुश्किल होता है जगह अपने में, तो इसको हम बदलेंगे और इसको लगा रहे हैं। विद केबल था ये, तो क्या करेंगे हमको लगाने के लिए, अभी जैसे हमने शॉर्टकट लिया लेकिन शॉर्टकट नहीं लेना,